हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सब? तो अभी हम जो है नीचे आ गए हैं खाना खाने के लिए, क्योंकि ऊपर जो है मम्मी पापा और विक्की खाना खा रहा है। तो हमने बोला चलो हम नीचे डाइनिंग टेबल पे बैठ के खा लेंगे। और अभी बस हम खाना खाने के बाद निकल रहे हैं शिवानी और हमारे बच्चे को लेने के लिए उसके घर मोहाली, और बस वहाँ से लेके फिर यहीं पर आ रहे हैं दोबारा। हेलो गाइस, तो हमारा लगा ब्रेकफास्ट होने और ये खा रहे हैं ब्रेड ऑमलेट। गाइस, हम लोग निकल चुके हैं आज काका को लाने के लिए। वो उनका घर है क्या बोलते मोहाली में सेक्टर 7 में। तो हम लोग निकल चुके हैं अभी और आज विक्की ड्राइव कर रहा है, हम लोगों को ले जा रहा है। क्या नाम है इसका? शिवानी को करना था फोन, मैसेज 7 किलोमीटर है। बहुत ही ज्यादा गर्मी है गाइस यहाँ चंडीगढ़ में। तो क्योंकि जो लोग हिमाचल से आते हैं उनको तो कुछ ज्यादा ही गर्मी लगती है यहाँ पे आके, क्योंकि हमारे हिमाचल का मौसम तो बहुत ही अच्छा है। मैं पीछे बैठी हूँ और ये मेरी देवरानी जी का सामान है। तो गाइस, बस हम लोग मोहाली पहुँचने ही वाले हैं थोड़ी देर में। और विक्की बहुत ही अच्छी गाड़ी चला रहा है। मेरे पति देव इसको थोड़ा अंडर एस्टिमेट कर रहे थे कि भाई हाँ तू ऐसे चला वैसे चला, पर मेरे को मतलब पूरा भरोसा है। जब मैं दिल्ली में थी तब ये बहुत अच्छे से हम लोगों को लेके जाता था, बिल्कुल मतलब उस टाइम में प्रेग्नेंट थी और मेरे को कभी झटके वगैरह कुछ भी नहीं लगा। और शान जी, आप कुछ बोलना चाहेंगे? बस ठीक है, बहुत बढ़िया है। क्योंकि ये खुद को बहुत ही अच्छा ड्राइवर मानते हैं, इनकी नजर में इंतजार कर रहे हैं वहां कोई बाइक मिले उठाऊं उठाएंगे। हाँ, ये लोग हम लोगों को ना छोटा समझते हैं, सोचते हैं कि हम लोगों को आता नहीं है। बेल्ट पहनी है क्योंकि यहाँ चंडीगढ़ में तो बहुत रूल रेगुलेशन रहते हैं और नहीं तो चलान हो जाता है अगर आपने सीट बेल्ट नहीं पहनी हो। हिमाचल में फिर भी चलता है, अगर नहीं पहनी कोई दिक्कत नहीं होती। यार तू कर क्या रहा है? यार ये आ गया बाइक वाला, तेरे को नहीं उसको ही बोल रहा हूं बाइक वाले को। थर्ड एग्जिट, बहुत ज्यादा गर्मी है गाइस बाहर, इतनी धूप है पूछो मत। हम लोग पहुंच चुके हैं मोहाली और अभी ये क्या बोलते ये गाड़ी रिवर्स करके लगा रहे हैं इसको, क्योंकि विक्की को थोड़ा रिवर्स का प्रॉब्लम है तो ये रिवर्स कर रहे हैं। बैग बैग तो मैं ले बैग भी निकाल दे। मैं डूब गया, सो रहा है अभी तो नहा के सोया ना ये। हाँ, आज ही सुबह आया बुखार था ना, फिर इस करके थोड़ा ले अपने ताऊ जी के पास। अभी ताऊ जी के पास कहीं ताऊ जी जा रहे हैं अपने घर डुगू को लेके। डुगू है अभी ताई जी की गोद में और अभी लक्की कर रहे हैं ड्राइव। ये शिवानी है, फाइनली फ्रेंड्स हम इनको लेके आ गए हैं दोनों को अभी घर से, और हमारा छोटा बच्चा भी आ गया है और अभी हम लंच करने के लिए बैठे हैं DRDO में। और ये देखिए अभी हमारा लंच सर्व हो रहा है। हम लोग जा रहे हैं बाहर अभी थोड़ा सा सामान लाने के लिए घर का, दूध और थोड़े से फ्रूट, और देखते हैं रात के लिए मतलब क्या मिलता है। हम लोग 38 सेक्टर में पहुंच चुके हैं और वो पास में ही है मार्केट, तो हम लोग यहाँ से कुछ सामान लेंगे, दूध और कुछ, और देखते हैं क्या क्या मिलता है। ये हम लोग आए हैं यहाँ पे शॉपिंग, ग्रॉसरी शॉपिंग। तो अभी ये लोग यहाँ पे सामान लेने के लिए आए हैं सुपरमार्ट में। ये 38 सेक्टर बी में है जहाँ पे हमारा रूम है DRDO में, उधर ही है। तो यहाँ पे ये लोग अभी कुछ सामान लेने के लिए आए हैं, देखते हैं क्या क्या लेते हैं। तो फ्रेंड्स अभी हम क्या बोलते हैं अभी शाम का टाइम है तो आज जन्माष्टमी है तो नॉनवेज तो खानी रहे, तो यहाँ से अभी सोया चाप के लिए बोला हुआ है, अब देखते हैं कैसी बनती है। तो इस पर हाइजीनिक तो लगी रहा है देखने से। फाइनली हमने सोया चाप वगैरह ले ली है, अभी मोमो और स्प्रिंग रोल ले रहे हैं, बस अभी खा के देखते हैं कैसा है।
वैसे तो ठीक ही लग रहा था कलर टेक्सचर से, देख लेते फिर बताते हैं आपको। तो फिर हमने अभी जस्ट ये डिनर करना स्टार्ट कर दिया है, पहले थोड़ा स्नैक्स के साथ। तो इसमें सोया चाप है, मोमोज हैं और स्प्रिंग रोल है, यहाँ का स्ट्रीट फूड, वैसे तो काफ़ी टेस्टी है, ये देख सकते हैं। चल रही है पार्टी, ये सोया चाप खा रहे हैं और मोमोज, और ये कोल्ड ड्रिंक लगा रहे हैं, और पापा की पार्टी चली हुई है, और ये डुगू की मस्ती हो रही है यहाँ पे अम्मा के साथ। हम लोग काफी टाइम से, मतलब 5-6 महीने के बाद में सारे इकट्ठे हुए, तो बहुत ही ज्यादा एंजॉय कर रहे हैं। हम अभी क्या बोलते 38 की मार्केट में गए थे चंडीगढ़ में, और मैंने एक्चुअली ना टीवी में हमेशा देखा कि लोग जो हैं ये ब्लैक एल्कलाइन वाटर पीते हैं, तो मैंने बोला इसमें खास क्या चीज़ है, तो मैं आप लोगों को बताता हूँ। जैसे कि इसमें 24/7 एक्वा बैलेंस आयोनाइज एल्कलाइन विथ सिल्वर 9.0 प्लस 0.5 MCG है, तो कुछ खास ही लग रहा है, पर देख लेते हैं पी के क्या होता है। और ये फ्रेंड्स इसकी जो खास बात है, ये है इलेक्ट्रोलाइट मिनरल वाटर, और चलिए अब इसको पी के देखते हैं, फिर आपको बताते हैं इसका टेस्ट कैसा है। वैसे पैकिंग बहुत अच्छी है, ये भी मैं इसको डालता हूँ, बॉटल ही काली है मेरे को लग रहा है, इसमें पानी तो बिल्कुल वैसे ही लग रहा है, जैसे आप लोग देख सकते हैं नॉर्मल वाटर की तरह लग रहा है। चलो कभी भी पी के देखते हैं कैसा लगता है, एक मिनट बॉटल बंद कर दूँ। फ्रेंड्स ये बिल्कुल नॉर्मल पानी है, कुछ नहीं है, और ये 100 रुपए का जो है, मतलब इतना कोई इसकी वैल्यू में को लग नहीं रही है, नॉर्मल वाटर है, बट हाँ इलेक्ट्रोलाइट मिनरल वाटर है तो थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकता है, बट एक नॉर्मल पानी की तरह ही है, ज्यादा कुछ इतना डिफरेंस है नहीं। इससे अच्छा हमारा जो हिमाचल का जो नेचुरल वाटर है जो पहाड़ों से आता है वो इससे बढ़िया है, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है।